नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, नव भारतीय स्टडी सर्किल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपको इन क्लासों के माध्यम से साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट्स। तो कल मैंने आपको जो पढ़ाया था वो क्या था कि साइकोलॉजी जो पहले पढ़ाई थी मैंने वीडियो में, तो साइकोलॉजी की शाखाएं आपको पढ़ाई थी। कल का जो वीडियो था वो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर। मनोविज्ञान क्या था कि मन के विज्ञान का अध्ययन, शिक्षा मनोविज्ञान क्या था, शिक्षा में मनोविज्ञान का सर शिक्षा से मनोविज्ञान को कनेक्ट किया था। आज मैं आपको पढ़ाने जाने वाली हूँ, पढ़ा रही हूँ, वो एक इतना अच्छा टॉपिक है स्टूडेंट जो हमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसके इतने सारे अर्थ भी होते हैं ये आज आपको मैं बताने वाली हूँ। तो आज का वीडियो आप मेरा एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि अधिगम कर रहे हैं हम किसका, मनोविज्ञान का। तो हम पढ़ रहे हैं क्या, अधिगम। तो अधिगम क्या है, मैं आपसे पूछूं कि अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम का अर्थ क्या है, तो मुझे जहां तक लगता है सभी स्टूडेंट्स यही बोलने वाले हैं कि अधिगम सीखना है, अधिगम लर्निंग है। कुछ बच्चे इसको हिंदी में और कुछ इंग्लिश में ही बताएंगे। यस, ये सही बात है कि अधिगम हम किसे कहते हैं, अधिगम यानी कि सीखना। अधिगम क्या है, अधिगम क्या है स्टूडेंट्स, अधिगम का मतलब वाकई में सीखना ही है, सीखना। लर्निंग, लर्निंग, ठीक है। तो जो ये है हमारा अधिगम, अधिगम का मतलब स्टूडेंट्स सीखना होता है, और लर्निंग होती है, इंग्लिश वर्जन जो है इसका वो है लर्निंग एंड सीखना। तो और मेरा मानना है कि अधिगम का मतलब, मेरा मानना नहीं है, साइकोलॉजी ऐसा मानती है कि अधिगम का मतलब सीखना तो है ही है स्टूडेंट्स, लेकिन व्यवहारगत परिवर्तन करना, व्यवहार में चेंजेस लाना भी अधिगम का महत्वपूर्ण कार्य है। तो हम जो अधिगम जो लर्निंग है उसका सूक्ष्म रूप तो है क्या, सीखना, लेकिन इसका जो विस्तृत रूप हम जो बता रहे हैं वो है व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में क्या, परिवर्तन। व्यावहारिक परिवर्तनों के लिए अधिगम करना भी बहुत जरूरी है। व्यवहार में चेंजेस लाने के लिए हमें क्या करना होगा, अधिगम करना होगा। और स्टूडेंट्स जिस प्रकार शिक्षा हम कहीं से भी ले सकते हैं, उसी तरीके से हम अधिगम भी किसी भी तरीके से कहीं से भी हम सीखने का कार्य भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं अब आपसे पूछूंगी, अधिगम तो लर्निंग का मतलब अधिगम तो है ही, लेकिन अधिगम कैसा होना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए या स्थायी होना चाहिए। मैं जो भी क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ इसी तरीके के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आपकी टीचर बनने से रिलेटेड होते हैं, अब मैं वगैरह वगैरह बोलने में बहुत टाइम लगता है, तो जैसे सीटेट है, नीट है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड जो भी है, वो सभी में आपसे इसी तरीके के क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। तो हम एक एक क्वेश्चन को क्लियर कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो मैं आपसे पूछूं कि जो सीखना है वो स्थायी होना चाहिए या अस्थायी होना चाहिए। स्थायी होना चाहिए सीखना, तो सॉरी स्थायी कौन कौन से होते हैं, अस्थायी लर्निंग होती है वो कौन कौन सी होती है, आज हम उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा यहाँ करने वाले हैं। तो जो सीखना है वो क्या है, स्थायी शिक्षा, सीखना क्या है, स्थायी परिवर्तन लाना, स्थायी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन में सीखना होता है और अस्थायी परिवर्तन में भी सीखना होता है। अस्थायी परिवर्तन, अब अस्थायी परिवर्तन और स्थायी परिवर्तन परिपक्व कौन से होते हैं, स्थायी परिवर्तन। तो स्थायी परिवर्तन के अंदर क्या क्या आते हैं सीखने में, मैं आपको अधिगम के नियम, अधिगम के नियम मैं नहीं सिखा रही हूं, अधिगम के नियम सबसे पहले किसने दिए थे ये चीज भी मेन है। तो थॉर्नडाइक ने अधिगम के सीखने के कितने नियम बताए थे, मुख्य नियम 3 बताए थे और गौण नियम 5 बताए हैं। तो आज हम इस अधिगम के बाद सीखने के जो 3 मुख्य नियम हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, और मुख्य जो गौण नियम है उनको अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स अधिगम एक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का
भावात्मक और सैद्धांतिक जो मनोविज्ञान है वो समावेशित है। तो हम कहते हैं स्टूडेंट्स, किसी चीज को ए से सीखते हैं, जेड तक जाते हैं, शून्य से शुरुआत करेंगे, 100 तक पहुंचेंगे, तो नींव हम अच्छी जमा पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पढ़ रहे हैं स्थाई परिवर्तन। स्थाई परिवर्तन में आपको बता रही हूँ कौन कौन से होते हैं, जैसे अभ्यास में परिवर्तन, प्रशिक्षण में परिवर्तन और अनुभव में परिवर्तन। पहला जो हमारा यहाँ पे है वो अभ्यास से। परिवर्तन किससे आते हैं? अभ्यास से। सेकंड कौन सा है हमारा? अभ्यास से आएगा, फिर किससे आएगा हमारा परिवर्तन? प्रशिक्षण से। और नेक्स्ट तीसरा जो हमारा आएगा वो किससे आएगा? अनुभवों से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हमारे हो गए कैसे परिवर्तन? स्थाई परिवर्तन। अब हम अस्थाई परिवर्तन की बात करते हैं। तो अस्थाई परिवर्तन होते हैं जो मनुष्य के संवेगों के अंदर आते हैं, जो कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं, तो उनका इतना रोल नहीं रहता अधिगम के अंदर जितना स्थाई परिवर्तनों का रहता है। तो मेन आ जाता है कि अधिगम में व्यवहारगत परिवर्तनों को लाने के लिए स्थाई परिवर्तनों का होना अत्यंत आवश्यक है। तो अस्थाई परिवर्तन कब होते हैं? जैसे बीमारी में। ठीक है, बीमारी में भी परिवर्तन तो होता है, कुछ चिड़चिड़ाहट होती है, कुछ इस तरीके के परिवर्तन जो अस्थाई होते हैं। नेक्स्ट थकान से भी होता है, जो हमें बीमारी से प्रॉब्लम है वो थकान से भी होती है। तीसरा आता है संवेगों से। संवेग जब होते हैं, कहते हैं किशोर अवस्था में जब बालक पहुंचता है तो उसके संवेग होते हैं, उनसे कुछ बच्चा चिड़चिड़ा रहता है, लेकिन कुछ समय के लिए वो चीजें अस्थाई ही रहती है, स्थाई नहीं होती है। स्थाई चीजों से जो परिवर्तन होता है वो अधिगम में अहम भूमिका निभाता है। चौथा यहाँ हमारा आ जाएगा मादक पदार्थ। ये तो स्टूडेंट सभी जानते हैं, मादक पदार्थ यानी कि जो खाने पीने की जो कहते हैं ना वो नशीली पदार्थ जो होते हैं उनसे भी चेंज आते हैं, क्योंकि कभी कभी उनमें भी आवेश खो देता है इंसान, इसीलिए। और एक आता है परिपक्व अवस्था। जब परिपक्व अवस्था आती है, परिपक्व अवस्था में भी चेंज आते हैं, लेकिन ये चेंज कैसे होते हैं? ये चेंज होते हैं स्टूडेंट्स अस्थाई, यानी कि ये ज्यादा समय तक नहीं टिकते। तो मुख्य रोल अधिगम के अंदर किसका होता है? स्थाई परिवर्तन का होता है। वो किससे आता है? अभ्यास करने से, प्रशिक्षण करने से और अनुभवों से। इन तरीकों से, तीन प्रकार से जो अभ्यास है वो व्यवहारगत परिवर्तन है, वो स्थाई तरीके से टिक जाते हैं। किसके अंदर? मानव के अंदर, मनुष्य के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, वो स्थाई तरीके से होती हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि परिपक्व अवस्था जो होती है, व्यवहार में जो परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, परिपक्व अवस्था में जो परिवर्तन आता है वह परिवर्तन है? तो नहीं, क्योंकि परिपक्व अवस्था में कुछ समय के लिए अस्थाई परिवर्तन आते हैं, वो परिवर्तन की श्रेणी में, तो उसका आंसर नहीं होगा। बीमारी में आएगा, नहीं होगा। थकान से नहीं, समय से नहीं। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि क्या अभ्यास करने से स्थाई परिवर्तन होते हैं? यस, अभ्यास करने से स्थाई परिवर्तन होते हैं, प्रशिक्षण करने से स्थाई परिवर्तन होते हैं, अनुभवों से स्थाई परिवर्तन होते हैं। तो स्थाई परिवर्तन हमारे इन तीन प्रकारों से यहाँ माने जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ परिभाषाएं, कुछ डेफिनेशन किन की बताने वाली हूँ। अधिगम से रिलेटेड जो मनोवैज्ञानिक है उनकी परिभाषाएं मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि पहले तो नॉर्मल सी परिभाषा कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है। देखिए स्टूडेंट्स, अधिगम है नॉर्मल जो डेफिनेशन है वो हम लिखेंगे, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जिसके द्वारा
व्यक्ति जिसके द्वारा व्यक्ति अभ्यास प्रशिक्षण व अनुभव अभ्यास प्रशिक्षण व अनुभव अनुभव से लाभ उठाता हुआ से लाभ उठाता हुआ लाभ उठाता हुआ व्यवहार में परिवर्तन अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है अपने व्यवहार में किसमें परिवर्तन लाता है स्टूडेंट अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। देखिए स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको तीन जो स्थायी परिवर्तन थे वो बताए थे, उन्हीं से मैंने डेफिनेशन भी यहाँ बनाई है। तो आपको मुझे लगता है कि आपको ये डेफिनेशन कंठस्थ हो गई होगी, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अभ्यास प्रशिक्षण अनुभव वही चीजें मैंने आपको स्थायी परिवर्तन के अंदर बताई थी उससे लाभ उठाता हुआ अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है वही क्या है, वही अधिगम है, वही अधिगम है, अधिगम है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आधुनिक, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैडम कि जो विलियम्स वुंड है इनका क्या रोल है, क्या ये जनक है? तो स्टूडेंट्स कंफ्यूजन क्लियर करने वाली बात यह है कि ये आधुनिक आधुनिक जो मनोविज्ञान के जनक है, तो यस विलियम्स वुंड आधुनिक विज्ञान के आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम्स वुंड को माना गया है। मैंने प्रत्येक वीडियो में इसका जिक्र किया है कि विलियम्स वुंड ने एक जर्मनी में कार्ल मार्क्स जो आज उसको विश्वविद्यालय लिप्जिंग था आज कार्ल मार्क्स के नाम से जाना जाता है उसमें उन्होंने प्रयोगशाला बनाई थी और उनको ही आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना गया है। किसको? विलियम्स वुंड को। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लियर होनी चाहिए कि विलियम्स वुंड है वो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम्स वुंड को माना गया है। अब मैं परिभाषा जो आपको बताती हूँ वुडवर्थ ने क्या बोला है कि जो अधिगम है विकास का प्रक्रम है। प्रक्रम है किसका? विकास का। अधिगम अधिगम विकास का परिक्रम है। तो वुडवर्थ के अनुसार डेफिनेशन परिभाषा यहां मैं बता रही हूं आपको, परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ। क्या इन्होंने बोला है जो कहते हैं कि अधिगम विकास का प्रक्रम है। ठीक है स्टूडेंट्स, अधिगम है वो विकास का प्रक्रम है। और क्रो एंड क्रो ने क्या बोला है अधिगम की डेफिनेशन के अंदर? तो यहां क्रो एंड क्रो इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है अधिगम आदतों ज्ञान व अभिवृत्तियों अधिगम आदतों ज्ञान व अभिवृत्तियों ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। देखिए स्टूडेंट्स, क्रो एंड क्रो की जो अधिगम की डेफिनेशन है उसको मैं एक ट्रिक से भी आपको बताती हूँ। कैसे आपको कैसे याद रहेगा कि क्रो एंड क्रो ने तो हर जगह डेफिनेशन दी है मनोविज्ञान में। मैंने आपको सिर्फ ओनली मनोविज्ञान, मैं आपको अधिगम पढ़ा रही हूँ यहाँ, मनोविज्ञान था उसमें भी क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन की ट्रिक मैंने आपको बताई थी। आज भी इसको हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन को, क्योंकि अधिगम क्या है? सीखने की प्रक्रिया कहां से आती है? अर्जित होती है, यानी कि हम प्राप्त करते हैं किसी से। आदतें भी जन्मजात तो नहीं होती, आदतें भी हम अर्जित करते हैं, ज्ञान को भी हम दूसरे से अर्जित करते हैं और अपना ज्ञान किसी को अर्जित करवाते हैं। तो अर्जित शब्द जो यहाँ लिया गया है वो अधिगम आदत और ज्ञान अर्ज करने की ही चीज है। जिस इस डेफिनेशन को किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने इस डेफिनेशन को यहाँ बताया है। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये चीजें मैंने जो आपको यहाँ क्लियर करवाई है, आज की जो
वो आपके अधिगम की इन चीजों पर चर्चा की थी। आगे हम थॉर्नडाइक के जो मुख्य नियम है, थॉर्नडाइक के जो गौण नियम है, उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। कुछ डेफिनेशन शिक्षा मनोविज्ञान की भी मैं आपको किसी वीडियो के माध्यम से अपलोड करने वाली हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप इन्हें साइकोलॉजी के छोटे छोटे वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। सुनने और समझने से नहीं, सोचने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जहाँ सोच अच्छी होगी, एक तो पहली बात तो यह होती है स्टूडेंट्स कि एक कहावत मैं आपको बोलती हूँ कि करत करत अभ्यास के जनमत होत सुजान। ठीक है स्टूडेंट्स, रस्सियां आवत जात हैं, रस्सियां आवत जात हैं, सिर्फ पर हो निशान। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम अभ्यास करते हैं, ये अभ्यास का नियम भी थॉर्नडाइक ने बताया है और मैं इसकी चर्चा आगे के वीडियो में करने वाली हूँ। तो जो ये अभ्यास है, वो अभ्यास के करते करते जनमत भी इतना सुजान हो जाता है। कैसे कि कुएं में जब हम एक पत्थर के माध्यम से रस्सी को से बाल्टी को भरते हैं, वापस उसको रस्सी के माध्यम से छोड़ते हैं, वापस से खींचते हैं, तो वहाँ भी एक जगह छूट जाती है, यानी कि रस्सी भी एक निशान छोड़ जाती है। तो वो अभ्यास का ही नियम माना जाता है। तो अभ्यास का, तत्परता का, और आप कौन कौन से नियम हैं, और अभ्यास का, तत्परता का, और परिणाम और प्रयास का, प्रभाव का, ये सारे नियम हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि हमारा एम एक होना चाहिए, हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए, क्योंकि हम जगह जगह से जो शिक्षा की चीजें हैं वो कलेक्ट तो कर लेते हैं और उनका कचरा कर लेते हैं। कचरा नहीं करना, हमें पढ़ना है। पढ़ने के लिए तो हम किसी, कहते हैं ना, पत्थर को भी देव बनाते हैं, पत्थर को भी पूजते हैं तो वो भी देव बन जाता है। तो आप अपने मन में एक एम रखिए, एक गुरु बनाइए, उसकी ही क्लासें आपको लें, इस तरीके कोई भी हो उस इस तरीके से अपना अध्ययन करिए और आप सफलता हासिल कीजिए। अपने आप को अंदर से मोटिवेट करते हुए अगर आप सफलता हासिल करते हैं तो 100% आप सफल हो पाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर के उपस्थित होंगी। जब तक के लिए नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरे नव भारती चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, इसी तरीके से कमेंट करें।